वोकल फॉर लोकल आजकल नाम हर जगह चल रहा है। प्रधानमंत्री जी ने भी आत्मनिर्भर भारत बनाने का संकल्प सभी को दिया है, लेकिन क्या हम सच में आत्मनिर्भर बनने की तरफ बढ़ रहे हैं? हम कहते हैं कि अगर ये वोकल फॉर लोकल की बात हमारा देश पूरे सही तरीके से अपना ले तो देश फिर से सोने की चिड़िया बन जाएगा। इसी वोकल फॉर लोकल के इनिशिएटिव पर मुझे एक कहानी याद आई तो सोचा आप सबको भी शेयर कर दूं। एक बच्चा अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहता था। वो बच्चा बहुत ही ज़्यादा होशियार था और जब भी किसी को कोई भी परेशानी होती थी वो लड़का उस समस्या को ख़त्म कर देता था और वो लड़का समस्या को बड़ी होने ही नहीं देता था। उसकी इसी बात से पूरे घर वाले बहुत खुश थे। जब किसी को कोई भी प्रॉब्लम आती थी सबके सब उस लड़के के पास जाते थे और उससे उस समस्या का हल पूछते थे। वो लड़का हमेशा एक अच्छे और सही सॉल्यूशंस देता था। समय बीतता गया, कुछ दिनों बाद उस घर में एक सुंदर पतली लड़की आई। लड़की उस लड़के से उम्र में थोड़ी छोटी थी और वो विदेश से आई थी। जैसे ही वो लड़की घर में आई घर के सभी लोग उसके आसपास बड़ी उत्सुकता से बैठ गए। वो विदेश से कुछ ऐसी चीज़ें लेकर आई थी जो घर वालों को बहुत पसंद आ रही थी। धीरे धीरे वो लड़की भी सभी को पसंद आने लग गई क्योंकि लोगों को लगता था वो हर प्रॉब्लम का इंस्टेंट सॉल्यूशन देती है, यानी कि जल्दी उपाय देती है, चाहे उन्हें थोड़े दिनों बाद दोबारा उसी प्रॉब्लम के लिए उस लड़की के पास दोबारा जाना पड़ता था। सभी लोगों को उसका एकदम दिया सॉल्यूशन पसंद आ रहा था जिसको इंस्टेंट सॉल्यूशन बोलते हैं। लड़के को इस बात का कोई गम नहीं था कि ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन वो ये जानना चाहता था कि लड़की ऐसा क्या कर रही है कि जिसकी वजह से सब उसके पास जा रहे हैं। लड़का सोचने लगा कि इस लड़की के पास ऐसा क्या है जो सभी लोग उसकी तरफ खींचते जा रहे हैं। कुछ दिनों बाद वो लड़का भी घर से निकलकर विदेश चला जाता है। उसे देखना था कि विदेश में ऐसा क्या है जो लड़की वहाँ से लेकर आई और उसके काम को और उसकी सलाह को सब इतना पसंद कर रहे हैं। जब वो विदेश पहुंचा तो उसने जाकर देखा कि वहाँ तो भारत से भी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, भारत से भी ज़्यादा बीमारियाँ हैं। वो लड़का वहाँ भी लोगों को प्रॉब्लम के सोल्यूशन देने लगा जैसे भारत में देता था। वो ऐसा सोल्यूशन देता कि लोगों की प्रॉब्लम बड़ी हो ही ना। धीरे धीरे वो लड़का वहाँ पर फेमस होने लग गया क्योंकि वो जड़ पर काम करने लगा और कई लोगों ने उसे अपने घर का सदस्य समझने लग गए और कई लोगों ने उसको अपना फैमिली कंसल्टेंट बना लिया। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों हो रहा था कि कैसे एक विदेशी लड़की भारत में आके अपनी वैल्यू बना गई और भारतीय लड़का जो पहले से भारत में था उसकी वैल्यू कम हो गई, और कैसे एक भारतीय ने विदेश में जाते ही अपनी वैल्यू वहाँ बढ़ा ली। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वो लड़का काम को इस तरीके से ख़त्म करता था जिससे कि दोबारा उस काम को करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी। वो प्रॉब्लम को बड़ा ही नहीं होने देता था और उसको ख़त्म करने की सही सलाह देता था। उस लड़के की अपने देश में वैल्यू कम हुई लेकिन बाहर जाकर उसे सब पसंद करने लग गए। क्या आप जानते हैं हम किस लड़के और किस लड़की की बात कर रहे हैं? वो लड़का जो प्रॉब्लम को बड़ी नहीं होने देता था, सही सलाह देता था, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालता था, उसका नाम था आयुर्वेद। और जो लड़की उस लड़के के घर वालों को बहुत पसंद आई थी उसका नाम था एलोपैथी। तो अब आप समझ गए होंगे कि इस कहानी के माध्यम से मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ कि हर कोई इस नई लड़की एलोपैथी के जाल में फंसता जा रहा है जो कि अंग्रेजों द्वारा भारत में फैलाई गई और भारत में लोगों को अपने जाल में फंसाती जा रही है, ये आपको मालूम ही है। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जब भी हमें कोई बीमारी होती है हम खुद ही बाज़ार चले जाते हैं, वहाँ जाकर कोई ना कोई दवा ले लेते हैं। और अगर आप बाहर के देशों में देखोगे तो आप जानोगे कोई भी वहाँ ऐसे ही किसी दुकान से दवा नहीं ले सकता। तो अरे भाई संभल जाओ, ना करो ना इन एलोपैथी दवाइयों का इस्तेमाल, आयुर्वेद को अपना लो। यही मौका है उस लड़के यानी कि अपने आयुर्वेद को अपने देश में पूरी तरह से वापस अपना लो और इस लड़की को छोड़ दो। इस लड़की की ज़रूरत सिर्फ हम इमरजेंसी
यानी कि ऑपरेशन लायक तकलीफ या एमरजेंसी में रखेंगे। बाकी इस लड़के की सलाह हम हर वक्त लेंगे, यानी कि उस लड़के को, यानी कि आयुर्वेद को दोबारा इस भारत में अपनाएंगे। जब तक कोई कहेगा नहीं तब तक हम सुनेंगे नहीं। हम ऐसे ही हो गए हैं। जब कोरोना फैला था तब सभी ने कहा था कि आयुर्वेद की मदद से, जड़ी बूटियों की मदद से इम्यूनिटी को बढ़ाओ, तब जाकर आप कोरोना वायरस के हमले से बचोगे। किसी के बोलने पर ही क्यों यकीन करते हो? अपने देश की चिकित्सा पद्धति है, अपना विज्ञान है, कहीं बाहर से नहीं आया, अपना ही लड़का है, लड़की बाहर से आई थी। अगर बाहर के लोग इसको अपना रहे हैं, इसको मान रहे हैं, तो हम क्यों नहीं? तो अपने देश की चीज़ों को पसंद कीजिए, अपने देश के लिए वोकल फॉर लोकल बनिए, यानी कि अपने देश के लिए आवाज़ उठाइए। अगर हर शहर, हर एरिया के आयुर्वेदिक डॉक्टर इतने सक्षम हो जाएं और इतना अच्छा इलाज करें, तो हर एरिया में उस लड़के की, उस आयुर्वेद की टूटी बोलेगी और लोग पहले आयुर्वेद में आएंगे। तो मैं यही बोल रहा हूँ, अब भी समय है। जो लड़का देश के बाहर गया था और बाहर के लोगों को उसका काम अच्छा लगा था, उसको दोबारा अपनाने का, अपने देश के लोगों को मनवाने का, और जो लड़की विदेश से आई थी यानी कि एलोपैथी, उसे अब अपने घर से निकालने का वक्त आ गया है, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। क्योंकि अगर उसको एक बार रख लिया तो हमेशा उसको ही अपनाना पड़ेगा। हमारे देश का लाखों करोड़ों रुपया हर साल विदेशों में चला जाता है, लेकिन आप और पूरे भारत के हर व्यक्ति को अगर ये समझ आ गया कि आयुर्वेद को अपनाने से इस देश की तरक्की होगी, भारत का विश्व में नाम होगा, तो भारत की जीडीपी बढ़ेगी। और जिस दिन पूरे भारत के लोग आयुर्वेद से इलाज शुरू कर देंगे, उस दिन हम दोबारा गुलामी से आज़ाद हो जाएंगे और भारत का हजारों करोड़ का, लाखों करोड़ का फायदा कर लेंगे। तो विदेशी छोड़ो, स्वदेशी अपनाओ, शुद्धि करवाओ, बीमारी को जड़ से दूर भगाओ।